Good morning, everybody. Good morning. IFS Life Science. सबसे गुड मॉर्निंग आप सबका. थोड़ी सी देरी के लिए खेद है. मोनिका, गरिमा, आकांक्षा, भावना, वेरी गुड मॉर्निंग. तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. और इस सेशन में अभी तक इस पूरी सीरीज में हम जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके हैं. पूर्णिमा नमस्ते, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते आपका. अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक्स और एनिमल क्लासिफिकेशन की. वैष्णवी, वेरी गुड मॉर्निंग. और इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन शुरू किया था. और इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो बेसिक्स थे क्लासिफिकेशन के, उनको डिस्कस किया था. और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो आगे की क्लासेज है उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमारा जो बेसिक्स है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ते भी है. जो नॉन जियोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, उनमें भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा. दादा सर, वेरी गुड मॉर्निंग. रंकुंजा, अनु, वेरी गुड मॉर्निंग. तो जो लोग CSIR लाइफ साइंस के साथ साथ TIFR या GATE बायोटेक या GATE एक्सेल या फिर आप IIT जीम का लीजिए, आप MSc एंट्रेंस की बात कर लीजिए, आप किसी भी स्टेट की PSC के लिए बात कर लीजिए, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो UPSC RPSC है या फिर JK सेट का एग्ज़ाम है हर स्टेट का, उन स्टेट के लिए जो भी लोग जूलॉजी को टारगेट कर रहे हैं उस सेक्शन में हमारा जो ये शेड्यूल है ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है. ठीक है, हाँ बिल्कुल. दादा सर को भी गुड मॉर्निंग सब कह दीजिए. डॉक्टर रितु, वेरी गुड मॉर्निंग. तो इस सेशन में जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे प्रोटोजोन्स में. सबसे पहला ग्रुप था लोफो ट्रोकोजोन्स, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे इन्वर्टिब्रेट जिनमें एक एपिकल रीजन पर कुछ फ्यूज्ड सीलिया हुआ करते थे और वो फ्यूज्ड सीलिया उनमें फूड को कैप्चर करके या फिर फूड मटेरियल को माउथ के पास में लाने का काम वो करते थे. ठीक है, या फिर जिस स्ट्रक्चर को मैंने लोफो फोर कहा था उसमें हम उनको डिवाइड कर देते हैं. फिर एक और ग्रुप हमने देखा था कि जिनके डेवलपमेंटल फेजेस में एक कैरेक्टरिस्टिक्स लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, जो कि एनिलीड्स और मोलस्कंस में हमें देखने को मिलता है, उसके बेसिस पर हमने एक अलग जो ग्रुप है वो डिराइव किया था. तो आज अपने पास दूसरा ग्रुप आ जाता है इन्हीं प्रोटोस्टोम्स का, जिसमें हम एक डाइसोजोन्स पढ़ते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मोल्टिंग होती हो, कि उनकी जो क्यूटिकल कह दीजिए, जो क्यूटिकल है वो एक टाइम पीरियड के बाद में एक डायसिस के थ्रू शेड ऑफ होती है. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स को आप अलग तरीके में रख देते हैं. कुछ माइनर फाइलाज की बात करेंगे, बाकी हमारे पास ऐसे जो एनिमेटोड्स है वो भी इस कैटेगरी में रख दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो ऑर्थ्रोपोड ग्रुप है वो भी हमें यहाँ साथ में रख दिए जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक फाइलोजेनी का. हमने देखा था लास्ट बार भी और आज भी हम देखते हैं एक फाइलोजेनेटिक ट्री हमने देखा था, और उस ट्री में हमने बात करी थी, जिसको मैं दोबारा बना देता हूं एक बार, और उसको कैसे बनाएंगे हम, कि जैसे एक एंसेस्टर था, है ना. हम बात किनकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोटोस्टोम्स ऑर्गेनिजम्स की. प्रोटोस्टोम्स की, और इन प्रोटोस्टोम्स में एक एंसेस्टर था जिससे आपको दो ग्रुप डाइवर्ज होते हुए दिखते थे, जहां एक में आपको वो ग्रुप था जिसमें लोफो फोर जो होता है वो देखने को मिल जाता था, एक वो ग्रुप था जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिल जाता था, एनिलीड्स और जो मोलस्कंस है, एनिलीड्स और मोलस्कंस है उनको हमने वहां रखा था.
वहीं उसी कैटेगरी में हम देखेंगे कि एक और लीनियज यहां से आपको निकलता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इकडाइसिस देखने को मिलेगा, इकडाइसिस या फिर इकडाइसोजोआ। इस पूरे ग्रुप को मैं इकडाइसोजोआ भी कह दूंगा, और चूंकि मैं इसको इकडाइसोजोआ कह रहा हूं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब हम देखेंगे तो वहां देखेंगे कि आर्थ्रोपोड्स वहां इंपोर्टेंट हो जाते हैं, फोरोनिड्स आ जाते हैं, ओनाइकोफोरेंस आ जाते हैं, टार्डिग्रेड्स आ जाते हैं। इसके अलावा निमेटोड, ये दो कैटेगरीज होती है जो कि आपको वहां देखने को मिल जाती है। निमेटोड हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, तो ऑर्थ्रोपोड और निमेटोड का जो क्लासिफिकेशन है, हालांकि जो निमेटोड है उनका एक जनरलाइज क्लासिफिकेशन हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर होती है फेजमिट्स, उन फेजमिट्स के एबसेंस और प्रेजेंस पर आप उस ग्रुप को आगे डिवाइड करते हैं। लेकिन इतना मान के छोड़ेंगे कि जो निमेटोड्स होते हैं वो एक तरीके से मोनोजेनिक होस्ट उनके पास होता है, एस्केरिसिस में आ जाते हैं। एस्केरिस की लाइफ साइकिल कैसे होती है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। राजू वेरी गुड मॉर्निंग, मोटिवेशन, नीलम वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फाइलम निमेटोडा की। फाइलम निमेटोड, इस फाइलम निमेटोड्स को हम एस्केलमेंटीज रखते हैं और राउंड वर्म्स इनको कहा जाता है, इनको एक कैटेगरी में रखेंगे राउंड वर्म्स, ठीक है। और ये राउंड वर्म्स या निमेटोड ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म हुए, या फिर मैं कहूं कि ऐसे पहले प्रोटोस्टोम्स हुए जिनमें आपको कंप्लीट गट देखने को मिल जाता था, और कंप्लीट गट इन द सेंस आप ये मानोगे कि उस स्टमक या फिर उनकी जो इंटेस्टाइन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी अपनी एक सेपरेट ओपनिंग के साथ होगा, इवन एनस भी अपनी सेपरेट जो ओपनिंग है उसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल पूर्णिमा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ये होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ आप देखोगे कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो सिलोम का फॉर्मेशन होता है वो सिलोम का फॉर्मेशन कंप्लीट मेसोडर्म द्वारा डिराइव नहीं होता है, बल्कि वहां आपको कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में जो मेसोडर्म होती है वो स्कैटर्ड पाउच में आपको वहां बिखरी हुई दिख जाती है। इसलिए इस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, स्यूडो सिलोमेट्स। कौन से कैटेगरी में ये आ जाते हैं, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट कूट गुहे सिस्टम में प्रकार के ये हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर ऋतु बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होंगे, स्यूडो सिलोमेट आप याद रखेंगे। और खास बात क्या है, और इनमें आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर मैं कहूं कि ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान इनमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आप जो भी सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली इस चीज का पता होगा कि ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है। इसके कई ऑर्गेनिजम्स में आप सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म भी देखेंगे, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म भी आप इन ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे। जैसे कैसे दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि मैं मेल एस्केरिस की बात करूं तो मेल एस्केरिस जो होता है वो आपको थोड़ा सा स्लाइटली उसकी जो टेल होती है वो आपको कर्व्ड देखने को मिलती है, आपको इंटीरियर एंड पर इनमें माउथ देखने को मिल जाता है। हाँ ईशा अभी रिपीट करता हूं, जबकि एक एंड पर मेल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्लोका देखने को मिल जाएगा, साथ ही कुछ स्पीक्यूल्स भी वहां देखने को मिलती है, ऐसी स्ट्रक्चर भी होती है जो कि इनमें रिप्रोडक्शन में असिस्ट करती है। गुड मॉर्निंग संदीप। देखिए हम जब मींस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, हालांकि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब माउथ एनस दोनों है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की आती है बात आती है तो माउथ भी होता है, एनस भी होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बोलेंगे। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट स्टमक, कंप्लीट गट की बात कर दूं तो इसका मतलब वहां माउथ और एनस आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। देखो सिलोम का थोड़ा सा रिपीट करता हूं, एस्केलमेंटीज से पहले ऐसे जीव आते हैं
जब ट्रिप्टोब्लास्ट डेवलप होती है, और ट्रिप्टोब्लास्ट का डेवलपमेंट ये मानते हैं कि वहां आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म का डेरिवेशन देखने को मिल जाए। अब वो मीजोडर्म बिल्कुल एक ओपन स्पेस है, एक खाली जगह है, वहां कुछ नहीं है, तो आप उसको एसिलोमेट कह दोगे, ठीक है। अब उसी जगह मान लीजिए, उसी मीजोडर्मल प्लेस में खाली जगह नहीं होकर कुछ कुछ जगह आपको कुछ मीजोडर्मल टिश्यूज आपको देखने वहां मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां सिलोम होते हुए भी नहीं है, इसका मतलब वो स्यूडो सिलोमेट की कैटेगरी में हम उसको रख देंगे। तो एसिलोमेट्स में अपने पास प्लेटी हेलमेंथीज आ जाते थे, स्यूडो सिलोमेट में अपने पास यहां कौन आ रहे हैं, एस्केरिस आ जाते हैं। कृष्णा वेरी गुड मॉर्निंग। तो ईशा समझ में आया स्यूडो सिलोमेट क्या होता है, जबकि अगर इसी स्पेस में कंप्लीट सिलोम का फॉर्मेशन हो तो आप उसको सिलोमेट कह देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बात कर रहा था मैं कि क्लोका आपको देखने को मिल जाएगा, और इवन जो इनकी फीमेल होती है, इनकी जो फीमेल होती है उसमें जो टेल होती है वो आपको कंपेरेटिवली स्ट्रेटर देखने को मिलेगी। इसमें आपको टेल जो होती है वो कैसे देखने को मिलेगी, कर्व्ड देखने को मिलती है, जबकि यहां कैसे देखने को मिलेगी, स्ट्रेट देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। अब इसमें निमिटोड्स को लेकर एक काम की बात और कि निमिटोड्स जो होते हैं वो मोनोजेनेटिक होते हैं, ये बिना किसी डाउट के इंटेस्टाइनल पैरासाइट तो होंगे ही, लेकिन ये कैसे होंगे, मोनोजेनेटिक, मतलब किसी एक ही होस्ट में, मोनोजेनेटिक होस्ट में ही इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको देखने को मिल जाएगी। अब इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इसका मतलब यहां जो क्यूटिकल इनकी आउटर लेयर पर होती है उसमें एंडोपैरासिटिक अडप्टेशन देखने को मिलती है, और वो एंडोपैरासिटिक अडप्टेशन के साथ साथ जो क्यूटिकल है वो टाइमली या फिर मैं कह दूं पीरियोडिकली वो होती क्या रहती है, शेड ऑफ होती रहती है, और शेड ऑफ होकर रख दी इसका मतलब उसको मैं किस कैटेगरी में रख सकता हूं, एक डाइसोजोआ में। इसलिए तो निमिटेड को हम यहां पढ़ रहे हैं, मैंने कल जो लोफोफोर्स में बताया वहां भी मैंने निमिटोड्स का जिक्र नहीं किया था, जबकि यहां आप देखोगे कि जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं वो सारे के सारे हम एक डाइसिस में रख रहे हैं। तो इसमें जो क्यूटिकल होती है वो टाइम के साथ साथ हटती जाती है, इसके अलावा कुछ सेंसरी एफिड्स, फेजमिड्स, पैपिला, एनल पैपिला भी इनमें होते हैं, माउथ के साथ भी ट्राइरिडेट माउथ होते हैं, ट्राइरिडेट माउथ के ऊपर एक डोर्सल लिप होता है, दो वहां लेटर लिप्स होते हैं, उन लिप्स में आपको डबल पेपिली, सिंगल पेपिली, एम्फिड जो कि कई सारी सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी दिख जाते हैं जिनकी डिटेल में बात करने की यहां जरूरत नहीं है। अब अपने लिए एग्जाम में काम आने लायक जो लाइफ साइंस एग्जाम है, गीट है, उनके एग्जाम में जो आने लायक बात है वो ये है कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे रहती है। अभी मैंने कहा कि ये मोनोजेनेटिक होस्ट होते हैं, समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लीजिए एक कंप्लीट मेल और फीमेल फुली डेवलप एडल्ट किसी इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, और जैसे ही ये इंटेस्टाइन में एग रिलीज देंगे तो फिकल मटेरियल के साथ एग ह्यूमन बॉडी से बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर कुछ टाइम बाद में ये फर्स्ट लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको रैबडीटोइड लार्वा कहते हैं, रैबडीटोइड लार्वा कहते हैं, ठीक है। ये रैप्टोइड लार्वा जो होते हैं थोड़े टाइम पीरियड बाद में और ग्रो करके कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी या फिर सेकेंड रैप्टोइड लार्वा में। अब ये सेकेंड रैप्टोइड लार्वा किसी सेकेंडरी होस्ट को नहीं ढूंढेगा, बल्कि ये जो कंटामिनेटेड फूड हुआ कि हम सब्जियां खाते हैं बाजार में जाते हैं ना, पानी मान लीजिए गंदा पानी पी लिया, ऐसा गंदा पानी जिसमें सेकेंडरी जो सेकेंड रैप्टोइड लार्वा मिक्स हुआ हो, या ऐसे फ्रूट्स हमने खा लिए कि जिन पर ये लार्वा चिपका हुआ हो, तो सेकेंड रैप्टोइड लार्वा फिर क्या होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसका मतलब एस्केरिस में इन्फेक्टिव स्टेज की कौन मानी जाती है, सेकेंड रैप्टोइड लार्वा, और ये सेकेंड रैप्टोइड लार्वा जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगा
फिर से उसी साइकिल में इंटेस्टाइन की मसल्स को बोर करेगा, बोर करने के बाद में ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर के पास जाएगा, लीवर से ये पोस्टीरियर वीना कावा के थ्रू हर्ट चला जाएगा, हर्ट में ये आर्टरी के थ्रू लंग्स में चले जाएंगे और ब्रोंकियोल्स में जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है कहां, रैप्टोइड लार्वा थर्ड, रैप्टिड लार्वा कह दीजिए आप इसको। इसको आप सेकेंड स्टेज लार्वा भी कह देते हैं, मेरे पीछे थोड़ा सा हट जाऊंगा मैं भी, इसको सेकेंड स्टेज लार्वा भी कहते हैं। आगे आपको मैं इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और बताऊंगा। तो ये सेकेंड स्टेज लार्वा फिर से ग्रो कर जाता है थर्ड में और फोर्थ में, अपने ब्रोंकस में ये रहता है, और ब्रोंकस में अगर सिचुएशन क्या आती है कि ब्रोंकस में रहते हैं और अगर वहां कफ जनरेट होता है, कफ के साथ अगर हम इसको वापस थूक दे, बॉडी से बाहर रिलीज कर दे, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कफ ये, हाँ कृष्णा अभी रिपीट करूंगा, ये मैं आउटलाइन बता रहा हूं, अभी डायग्राम के थ्रू रिपीट करूंगा। अगर इसी कफ को हम वापस निगल लेते हैं तो यही फोर्थ जो लार्वा है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन में आकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही एक एक साइकिल चलती रहती है जो होस्ट टू होस्ट चलती है। याद रखने वाली बात कि सेकंड रैप्टोइड लार्वा जो है वो अपने लिए इन्फेक्टिव होता है, कभी कभी ये लार्वे ब्रेन में भी पहुंच जाते हैं, इसको एब्रेसिन एब्रेटिव माइग्रेशन कहा जाता है, एस्केरिसिस ये कोज करते हैं। चलो अंजू बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो एक छोटा सा डायग्राम समझने की कोशिश करो आप, जो अभी मैंने बातें बताई उन बातों को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एस्केरिस लाइब्रिकोट जैसे ये है एडल्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे एडल्ट हैं, ह्यूमन फीसेस के साथ मल के साथ ये जो अनफर्टिलाइज एग है आगे डेवलपमेंट में जाएगा, फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट होगा, और ये सेकेंड स्टेज लार्वा है, ये कौन सा है, सेकेंड स्टेज लार्वा, और ये सेकेंड स्टेज लार्वा आगे जाकर कहां होगा, फूड के साथ या वाटर के साथ, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ इसका इन्फेक्शन आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेज लार्वा वापस कहां चला जाएगा, इंजेस्ट कर लिया जाएगा, और इंजेस्ट करने के बाद में क्या होगा, ये अपनी इंटेस्टाइन में बोर करेगा, इंटेस्टाइन से लीवर के पास, लीवर से हर्ट के पास, और हर्ट से ये कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, इसको माइग्रेशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल वैष्णवी, बहुत रेयर केस में होता है, बिल्कुल लिक्विड से, लिक्विड खा लीजिए, फूड खा लीजिए, इन्फेक्टेड फूड के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है ये, ठीक है। तो काम की बात है क्या है, सबसे पहले काम की बात कि रैप्टोइड लार्वा या सेकेंड स्टेज लार्वा ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, इन्फेक्टिव होंगे। या फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये मान लीजिए कि एस्केरिस में कितने होस्ट होते हैं, तो ये मोनोजेनिक होस्ट होता है, सिर्फ ह्यूमन इंटेस्ट ह्यूमन होस्ट में ही ग्रो करते हैं। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव कौन से होते हैं, ह्यूमन के लिए स्टेज टू लार्वा जो होता है वो इन्फेक्टिव होता है। एस्केरिस का स्टेज थर्ड लार्वा और स्टेज फोर्थ लार्वा का कन्वर्जन कहां होता है, तो ब्रोंकस में होता है। एस्केरिसिस में सेकंड स्टेज लार्वा का इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है, तो वहां हम क्या करेंगे, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। तो ये चार क्वेश्चन आपको याद रखने, जहां आप कभी भी किसी भी एग्जाम में चार से पांचवा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये कभी ये भी याद रख सकते हैं, कई कई एब्रेटिव माइग्रेशन भी जरूर देखने को मिल सकता है कि ये टीनिया जो है वो ब्रेन में भी जाकर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इफेक्ट लीवर, देखो इफेक्ट वैष्णवी लीवर पर नहीं होकर इंटेस्टाइन पर ज्यादा होगा। एल्बेंडाजोल, आपको पता होता है एल्बेंडाजोल जो है वो यहां काम करती है, लीवर पर नहीं होगा, ये एक रूट है, माइग्रेशन है, इसमें प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन और एब्रेटिव माइग्रेशन, तीन माइग्रेशन होते हैं। तो ये मैंने माइग्रेशन पैटर्न बताया कि ऐसे होता है, लेकिन ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप एग्जाम्पल लो तो एस्केरिस हो गया, एस्केरिस होता है, सी एलिगेंस का भी नाम सुना होगा, वो भी एक लिमिटोड ही होता है, सी एलिगेंस वो भी क्या होता है, एक लिमिटोड होता है। इंटेस्टाइन लंग्स पर मान लीजिए, इंटेस्टाइन और लंग्स पर आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है।
तो ये बात हुई निमिटोड्स की। निमिटोड्स से आगे बढ़ने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, जो एस्पायरेंट्स गेट 23 को टारगेट कर रहे हैं और लाइफ साइंस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो 28 नवंबर से CSIR या IFS जो है आपके लिए लेकर आ रहा है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी कि आप इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम, जी क्लासेस है, सिस्टमेटिक क्लासेस है, उन सिस्टमेटिक क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 28 नवंबर से पहले पहले IFS ऐप पर जाना है, IFS साइट पर जाना है, वहाँ अपने आपको रजिस्टर करना और उस सेगमेंट को चुनना जहाँ पर आप एडमिशन आपको चाहिए। तो बहुत सारे लेक्चर, 500 से ज़्यादा इंटरेक्टिव लेक्चर आपके पास, टीचर के हैंडआउट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और हर वीक टेस्ट और साथ में मॉक टेस्ट की आपके लिए अवेलेबल है। गेट में, गेट लाइफ साइंस मतलब एक्सेल के अलावा अगर कोई गेट बायोटेक को भी टारगेट कर रहा है तो उसके लिए भी IFS पर आपको सेम 28 नवंबर से आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आप अपने दोस्तों को बताओ, अपने जो सीनियर्स है, अपने जो जूनियर्स है या कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो कि गेट को टारगेट कर रहे हैं उनको आप जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में एक ग्रुप और आ जाता है, फाइलम ओनाइकोफोरा। कोई बता सकता है कि ये डायग्राम कौन से एनिमल का है? मुझे पता है बहुत सारे लोग बता सकते हो, ये एक डायग्राम है, एक एनिमल है और इस एनिमल का फोटो, बिल्कुल आती है कृष्णा, मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाता है, सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको वहां हो जाते हैं, उसके लिए भी अपने पास बहुत ऑप्शन है। तो बताओ ये जो स्क्रीन पर आपके पास एक छोटा सा कीड़ा है, इस कीड़े का नाम कोई बता सकता है? निरीज रितु, नाइस ट्राई। एनीबडी एल्स? निरीज, अनु, मोनिका, निरीज, भावना। चलो बहुत अच्छी ट्राई किया आपने। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? पेरीपेटस। क्या है? पेरीपेटस। आप पेरीपेटस से नाम बता दो, पेरीपेटस क्या है, चलो ये बताओ। फाइलम ओनाइकोफोरा की बात कर रहा हूं मैं। निरीज के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, निरीज में जो पैरापोडिया होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, वो आपको बहुत आसानी से दिख जाते हैं। यहाँ कुछ स्टम्पी लेक्स है, ऐसे लेक है जो स्टम्प के जैसे, उनमें जॉइंट आपको देखने को नहीं मिलते लेकिन है लेक्स। तो बताइए पेरिपेटस क्या है, बराबर जवाब दीजिए। पेरिपेटस आपने नाम सुन रखा होगा, अरे जूलॉजी वालों पेरिपेटस क्या होता है ये तो बोटनी वाले भी बता देंगे। पेरिपेटस फाइलम ओनाइकोफोरा में आते हैं। अरे वाह मोनिका, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है कि जो पेरिपेटस होते हैं ये ऑर्थ्रोपोड और एनेलिड्स के बीच की योजक कड़ी, इसको माना जाता है कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। सर शैलजा कह रही है एमपेट के लिए कहाँ से पढ़े? शैलजा एमपेट के लिए भी आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा लोअर लेवल की बुक्स पढ़नी है, थोड़ा सा लोअर लेवल का, जहाँ MSc एंट्रेंस के जो एग्जाम्स पढ़ते हैं वहाँ से आप इनको टारगेट करेंगे तो एमपेट, एमपेट में बहुत आसान ऑर्डिनरी क्वेश्चंस उसमें आते हैं और MSc एंट्रेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लो नहीं होते अंजू, ठीक है टेंटिकल्स इनमें होते हैं, एनेलिड फाइलम का नहीं है, कनेक्टिंग लिंक बिल्कुल अनुसही कह रहे हैं। अच्छा बायोकेमिस्ट्री वाले, अरे रितु कोई बात नहीं बेटा। तो जो ओनाइकोफोरा है वो ओनाइकोफोरा एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड के, आर्थ्रोपोडा के बीच के करेक्टर है। खास बात ये कि ये कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं।
और इनमें काइटिन स्क्यूटिकल भी आपको देखने को मिल जाती है, काइटिनस क्यूटिकल भी देखने को मिल जाते हैं, स्टम्पी लेग्स इनमें होते हैं, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी इनमें होता है, लेकिन हेड थोरेक्स एब्डोमेन का करैक्टरिस्टिक्स नहीं रख सकते, सेगमेंटेशन होता है थोड़ा सा उनको एनिलिड्स के साथ रख लेते हैं, लेकिन कौन से फाइलम में आता है, ओनाइकोफोरा में आता है, ये बातें आपको याद में रखनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़े से, एक और आपके लिए प्रमोशन छोटा सा, कि जो लोग अभी भी कुछ बुक्स लेना चाहते हैं, जो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आईआईटी जेम का ले लीजिए, शैट का ले लीजिए, सीएसआर नेट का ले लीजिए, या फिर सेट का चाहिए, तो आप उस सेंस में, हाँ कृष्णा बिल्कुल, देखो हम जब लाइफ साइंस पढ़ने हैं तो हमें इस चीज से गुरेज नहीं करना चाहिए कि सामने बोटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हमें तो सब पढ़ना है, क्योंकि जो एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं उनमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ कुछ स्पेसिफिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सेट हुआ तो सेट में भी आजकल लाइफ साइंस है, वहां भी आपको पढ़ना पड़ता है। हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो भी सिर्फ आप नेट की, थोड़ा आपको बॉटनी नहीं पढ़ेगा, जूलॉजी वालों को नेट नहीं, बॉटनी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी वालों को जूलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपनी, आपका जो टारगेट उस हिसाब से उसको फोकस कर सकते हो। तो बुक कार्निवल जो है वो आपके लिए अभी भी अवेलेबल है 30% ऑफर के साथ, आप अभी भी आपके किसी भी सेगमेंट की बुक को IFS ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। हाँ बिल्कुल वैष्णवी, पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसके लिए आपको प्रोमो कोड भी यूज करना है बुक 30, और उसके बाद अपनी प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो निमेटोड के बाद ओनाइकोफोरा, हालांकि छोटे ग्रुप और है, टार्डिग्रेडेंस आ जाते हैं, उसके बाद भी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा, सी स्पाइडर्स उसमें आ जाते हैं। हाँ TFIR का सेशन भी, कृष्णा इसी से ही, बिल्कुल बिल्कुल, TFIR गेट लाइफ साइंस का सिलेबस, सेट का लाइफ साइंसेस में आपको यही पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, एक बहुत बड़ा यूनिक आपके लिए एक फाइलम है, और जो लोग सोचते हैं कि आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन बहुत ही टफ है, उनको जवाब मैं आज दूंगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन से CSIR लाइफ साइंस से एक इक्वेशन आपको जरूर देखने को मिल जाता है, इसीलिए थोड़ा सा माइंड मेकअप कीजिए, और इस ग्रुप को मैं थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन डिटेल सिस्टमेटिक बढ़ाने वाला हूं, और मेरी बात याद रखना, CSIR लाइफ साइंस में इनवर्टिब्रेट्स में तो ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन, और वर्टिब्रेट्स में मेमेलिया क्लासिफिकेशन से आपको फाइलोजेनेटिक मान लीजिए या फिर आप मोर्फोलॉजिकल मान लीजिए, क्लासिफिकेशन से मिल जुड़ी बातें बिल्कुल पूछी जाती है। बिल्कुल सीबा गरिमा ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जॉइंटेड अपेंडिजेस इसमें होते हैं, काइटिन स्केलेटन बना हुआ होता है, है ना। तो एक एक करके सबसे पहले मैं कुछ कॉमन फीचर्स की बात करता हूं, और बाद में उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करता हूं, जो लोग जूलॉजी को लेकर कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इसको लाइन टू लाइन जरूर लिखें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, क्या होगा जॉइंटेड लेग्स, अब जॉइंटेड लेग्स है, ठीक है बिल्कुल, जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। रितु आप बायोकेमिस्ट्री को, आप किसने, आप इतना घबरा क्यों रहे हो, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप तो कह रहे हो बायोकेमिस्ट्री के हो, जबकि आपने तो पूरा क्लासिफिकेशन मुझे बता दिया आर्थ्रोपोड क्या होता है। तो घबराना नहीं है, आप किसी भी सेगमेंट के हो, आपको जो कुछ भी आ रहा है बहुत सिंपलिस्ट वे में हम डिलीवर कर रहे हैं आपको, तो आपको जरूर इससे बेनिफिट उठाना है। तो इतना बेसिक नॉलेज आपके पास है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये चीजें बहुत टफ होने वाली है। तो जॉइंटेड लेग्स हैं, इसके अलावा आप देखोगे कि ऑर्थ्रोपोड्स में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। हमने सेगमेंटेशन देखा था, ट्रू सेगमेंटेशन किन के पास था, एनेलिड्स के पास था, स्यूडो सेगमेंटेशन किसके पास था, प्लेटवर्म के पास था, जबकि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की बॉडी सिर्फ बाहर से ही डिवाइडेड होती है, अंदर से डिवाइडेड नहीं होती है,
अरे वाह बिल्कुल, ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ऐसा हो सकता है कि पूरी बॉडी जो है वो प्रोसोमा और ऑपिस्थोसोमा में डिवाइडेड रहती है। चलो और इजी करता हूं कि यहां आपको तीन रीजन देखने को मिल सकते हैं, हेड रीजन देखने को मिल सकता है, आपको थोरेक्स रीजन देखने को मिल सकता है और आपको एब्डोमेन देखने को मिल सकता है। हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, कभी कभी हेड एंड थोरेक्स फ्यूज हो जाकर किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिफिलोथोरेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिफिलोथोरेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बातें आप याद रखोगे। जब सिलोम की बात आए तो आप इसको साइजोसील में रखते हैं, लेकिन ऑर्थोपोड के लिए मैंने एक स्पेसिफिक सिलोम बताई थी, और वो सिलोम कौन सी होती है, हीमोसील। हीमोसील की एम्ब्रियोनिक जो ब्लास्टोसिस्ट है, एम्ब्रियोनिक जो ब्लास्टोसील है माफ कीजिए, वो ब्लास्टोसील ही अब आगे जाकर परसिस्ट रह जाती है, उसका आगे कन्वर्जन आर्केंट्रोन में नहीं होता है। बिल्कुल प्राण प्रोन आता है अंजू, बिल्कुल सही है। मेलिकोस्ट्राका में हम पढ़ेंगे, क्रस्टेशिया में इसकी बात करेंगे, है ना। तो हीमोसील इनमें देखने को मिलेगी, ज्वाइंटेड अपेंडिजेस आपके पास है, ज्वाइंटेड अपेंडिजेस आपके पास है जो कि इनमें लोकोमोशन के लिए भी काम करेंगे। और काम की बातें कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो ये चीजें मैं आपको बेसिक्स में सब कुछ बता चुका हूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। आईज इनमें आपको कंपाउंड देखने को मिल सकती है, सिंपल आईज के साथ आपको ओमेटिडिया से बनी हुई कंपाउंड आई देखने को मिल सकती है, और इनमें आपको एक्जोस्केलेटन देखने को मिलेगा, क्योंकि मोल्टिंग तो होगी, तो मोल्टिंग होगी तो एक्जोस्केलेटन के थ्रू, जो कि किसका बना होता है, जो कि बना होगा काइटिन का बना हुआ, किसका बना हुआ होगा, काइटिन का बना हुआ। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। अब देखिए कुछ एक चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि इनमें जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, या फिर इनकी बॉडी प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में डिवाइडेड रहती है। प्रोसोमा में हेड आ गया, थोरेक्स आ गया, एब्डोमेन आ गया। उस हेड में भी आप देखोगे कि कई सारे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कॉकरोच का बॉडी होता है वो छह सेगमेंट से बना हुआ होता है, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड गई, रेस्पिरेटरी सरफेस भी बहुत तरीके की होती है, एक्सक्रीटरी सरफेस भी इनकी बहुत तरीके की होती है, बहुत बड़े डाइवर्स तरीके के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो माउथ में आप देखोगे कि इनमें आपको कई सारे जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, कटिंग टाइप के देखने को मिल जाते हैं, साइफनिंग टाइप के देखने को मिल जाते हैं, पियर्सिंग टाइप के देखने को मिल जाते हैं, सकिंग टाइप के देखने को मिल जाते हैं। वो भी एक ब्रॉड अलग से हम जो डिटेल में है वो डिटेल की बातें हम यहां नहीं करेंगे। तो ऑर्थ्रोपोडा के साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ जनरलाइज फीचर क्या क्या हो सकते हैं। देखो अभी मैंने बात करी कि इनमें आपको जैसे ऊपर एक ग्रास ऊपर आपके पास जो एक्सोस्केलेटन इनमें है, जॉइंटेड लिम्स आपको देखेंगे, सेगमेंटेड बॉडी इनमें पास है, पूरी बॉडी को आप हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। इनके ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो क्यूटिकल की लेयर टैगमेटा कहलाती है, आप उसको भी कह सकते हैं। मालपिगिन ट्यूबुल हुआ, कॉक्सल ग्लैंड हुआ, ये सारी की सारी क्या होती है, एक्सक्रीटरी सरफेसेस होती है। रेस्पिरेशन के लिए आप देखोगे कि इनमें टिपिकल ट्रेकिया देखने को मिलते हैं, और ये ट्रेकिया बाहर की तरफ ओपन एयर साथ, ये बाहर देखोगे तो ये ओपन एयर के साथ हमेशा आपको खुले देखने को मिलेगी, जिनसे O2 इनसे रिसीव की जाती है, रिसीव करेंगे। और इनमें जो हर्ट है उसमें तो हीमोसील है, और हीमोसील में हर्ट देखोगे तो वहां भी कुछ स्पेसिफिक कुछ एलरी मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको उनमें कॉन्ट्रेक्शन भी देखने को मिल जाता है। बिल्कुल टैगमेटाइजेशन भी आप वहां देखोगे, ट्रोक्यूल्स भी आप देखोगे, और स्पाइरिकल, ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये वाला सर्कुलेशन का पार्ट है। कंपाउंड आई है तो ये ओमेटिडियम से बनी होती है, ये छोटी सी बात, यहां भी एक सिंगल ओमेटिडियम भी आपको देखने को मिल जाता है। स्टमक में आप देखोगे तो एक माउथ भी आपको देखने को मिलेगा, और आपको एक एनस भी उसके साथ साथ देखने को मिलेगा। कई सारे फीचर्स है जो आपको साथ साथ यहां से पढ़ने हैं। जैसे कॉकरोच में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको माउथ पार्ट देखने को मिल जाएंगे, माउथ पार्ट जो है बाद में ईसोफेगस में डेराइव होती है, ईसोफेगस आगे जाकर क्रोप में खुल जाती है, क्रोप के आगे आपको एक स्टोमोडियल वॉल्व देखने को मिल सकता है, स्टोमोडियल वॉल्व के चारों तरफ आपको हेपेटिक कीका देखने को मिल सकते हैं, जो कि एंजाइम जो सिक्रीशन होते हैं,
इंटेस्टाइनल सिक्रेशन होते हैं वो सिक्रेट करते हैं। हिपेटिक कीका से वहाँ आपको पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है जो कि आपको मिडगट में होती है, जहाँ मिडगट के साथ हाइंडगट जुड़ा रहता है वहाँ आपको मेल्पिगिन ट्यूब्यूल देखने को मिल सकती है, और हिंडगट जो होता है एट द एंड रेक्टम के थ्रू बाहर एनस के थ्रू बाहर आपको खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक जनरलाइज पैटर्न मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत डाइवर्स टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम कह दीजिए या फिर मैं एक्सक्रीटेड सिस्टम की बात करूँ, नर्वस सिस्टम की बात करूँ, एक जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं, बाकी इनमें बहुत डाइवर्स चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो उनकी बातें हम यहाँ आज नहीं करने वाले। थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन की तरफ बात करूँगा, तो क्लासिफिकेशन में आपको देखोगे कि मेरियोपोड्स, चेलिसरेट्स, क्रस्टेशियंस एंड हेक्सापोड्स, हेक्सापोड्स का मतलब जिनको इंसेक्ट कहा जाता है, ये पांच बड़ी क्लासेस इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब इनमें फीचर्स क्या क्या होता है उसकी बात थोड़ा सा आगे करूंगा, यहां बात नहीं करूंगा उसकी, तो आप इसको भी स्किप कर दीजिए एक बार, आप इसको भी। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट में आपको मेटामोर्फोसिस देखने को मिलता है, मेटामोर्फोसिस की डेवलपमेंटल स्टेजेस में एक डेफिनेट पीरियड के बाद में कोई एक एग है, एग एडल्ट में ट्रांसफॉर्म अगर डायरेक्ट हो जाता है, या फिर एक निम्फ स्टेज आपको देखने को मिल सकते हैं जो बिल्कुल एक मिनिएचर वर्जन होता है, या फिर पहले एग होता है वो निम्फ में कन्वर्ट होता है, निम्फ बाद में आपको प्यूपा में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, प्यूपा से बाद में एडल्ट होता हुआ दिखेगा। तो तीन तरीके के आपको यहां से मेटामोर्फोसिस भी देखने हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करूं जहां मेटामोर्फोसिस नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां कोई एक मिनिएचर फॉर्म है, एग से डेवलप होने के बाद एक मिनिएचर फॉर्म है जो कि टाइम के साथ कैसे उठ जाती है, बड़ी होती जाती, समय के साथ कैसे उठ जाती है, बड़ी होती जाती है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा आप सिल्वर फिश में, थायसिनुरा के मेंबर होती है सिल्वर फिश, लेपिस्मा जिसको कह देते हैं, इस लेपिस्मा में आपको मेटाबोलिक या फिर अमेटाबोलिक सिचुएशन देखने को मिलती है, वहां किसी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। दूसरी सिचुएशन में जाओगे तो वहां आप देखोगे कि वहां इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के सेंस में देखोगे कि एग से जो निम्फ डेवलप होते हैं उन निम्फ के जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इनिशियल निम्फ में आप देखोगे वहां आपको जो विंग्स है वो देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे जैसे निम्फ बढ़ता जाता है वहां आपको अलग अलग वहां आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डेवलपमेंट स्टेज के साथ साथ इनमें आपको ऑर्गन्स का डेवलप होता हुआ दिख जाएगा, और इसको आप क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट मेटाबोलस, या आप इसको हेमी मेटाबोलिक सिचुएशन भी कह सकते हैं, आप इसको हेमी मेटाबोलस सिचुएशन भी आप इसको कह देंगे। तो ये हेमी मेटाबोलस सिचुएशन है, ये कहां होती है, ये आपने ग्रास ओपर्स देखे होंगे, ग्रास ओपर्स वहां भी देखने को मिलती है। हाँ, मींस मतलब मेटामॉर्फोसिस में आपको लार्वा लार्वा सिचुएशन है तो आपको मेटाबॉलिक सिचुएशन देखने को, ग्रास ऊपर देखा होगा आपने, आपने मेंटिस भी देखा होगा, आपने कॉकरोच भी देखा होगा, कॉकरोचेस में भी ऐसा होता है, आपने टर्माइट्स भी देखी होगी, दीमक जो होती है वो भी देखी होगी, आपने ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाइज देखी होगी, ड्रैगन फ्लाई देखी होगी, या फिर बग्स देखे होंगे, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, हेमी मेटाबोलिक सिचुएशन में आ जाते हैं, कि जहां एग से एडल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन में निम्फियल स्टेज आपको देखने को मिलेगी, और इन निम्फियल स्टेज का डेवलपमेंट पीरियडिकली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर तीसरी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखते हैं, आप जिसको होलो मेटाबोलिस सिचुएशन भी कह देते हैं, होलो मेटाबोलिस, और होलो मेटाबोलिस में आप देखोगे कि एग है पहले कुछ लार्वल स्टेज में डेवलप होगा, फिर ये लार्वा कन्वर्ट होंगे प्यूपा में, प्यूपा बाद में आपको एडल्ट में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी, और इसके एग्जांपल आपने बटरफ्लाई देखा होगा, लेपिडोप्टेरन्स, बटरफ्लाई पे मोथ भी आ जाते हैं, मोथ्स और बटरफ्लाई, इसके अलावा बीज आ जाती है, इसके अलावा एंट्स आ जाते हैं, बीटल्स आ जाते हैं, ये कई ऐसे ग्रुप है जो आपको तीनों सिचुएशन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक डिस्टिंग्विशन था कि किस तरीके से हम मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पर इनको पढ़ते हैं, और जनरली मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट का मेटामॉर्फोसिस है वो आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। अब क्या करते हैं हम, अब एक थोड़ा सा डिटेल में क्लासिफिकेशन देखते हैं।
तो जो जूलॉजी वाले एस्पायरेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकली यूपीएससी एचईसी या फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हैं, वो आप इसको थोड़ा सा जरूर फोकस करेंगे। ऑर्थोपोड का क्लासिफिकेशन एक जनरलाइज वे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पूरा जो क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट्स का, उसमें आपको 7 सब फाइलम्स आ जाते हैं। हालांकि इसमें 4 फाइलम तो ऐसे ही हैं, 4 फाइलम तो ऐसे ही हैं जो बिल्कुल बहुत एक एक आदि मेंबर हैं, उनको थोड़ा सा नियर टू ऑर्थ्रोपोड हम मान लेते हैं, मिनिएचर या फिर को माइनर फाइलाज में उनको रख लिया जाता है। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं ट्राइलोबाइटोमोर्फा, ट्राइलोबाइटोमोर्फा ऐसा सब फाइलम है जिसको ट्राइलोबाइटोमोर्फा कहेंगे। और इसमें कौन से इंसेक्ट आ जाते हैं, इसमें मरीन इंसेक्ट आ जाते हैं, मरीन इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो समुद्र में रहने वाले हैं, इसका मतलब ये जनरली आपको फॉसिल फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। बहुत इनिशियल जब इवोल्यूशन हुआ तो ऑर्थ्रोपोड्स में ये जो ग्रुप है वो सबसे पहले आपको डिराइव होता हुआ दिखा था। तो इनको आप ट्राइलोबाइट्स भी कह देते हैं। एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो इनका क्या लिखोगे, ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट्स। तो ट्राइलोबाइट जो है वो आपको इस ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो एक सब फाइलम याद हो गया, ट्राइलोबाइटोमोर्फा, ट्राइलोबाइटोमोर्फा के ऑर्गेनिज्म जो मरीन हुआ करते थे, और अब ये किस फॉर्म में हो जाते हैं, आपको फॉसिल फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। ट्रायार्थ्रस है या फिर डालमेनिटस है, वो इसके ग्रुप हो जाते हैं, जिसको आपको याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरे सब फाइलम की तरफ चलते हैं, दूसरे सब फाइलम की तरफ चलेंगे, वो आ जाता है चैलिसरेटा। इसको हम क्या कहेंगे, चैलिसरेटा। अब चैलिसरेटा के बारे में 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कि इसमें बॉडी जो है वो सिफिलोथोरेक्स और एब्डोमेन उसमें बटी हुई होगी, और इनके पूरी बॉडी पर 6 अपेंडेजेस, 6 पेयर अपेंडेजेस का नाम याद रखेंगे, 6 अपेंडेजेस हैं होंगे, और इन 6 अपेंडेजेस पर जो पहला पेयर है वो एक ऑर्गन होगा चेलिसरेट, ऐसे आगे उनके मुंह के आगे आपको ऐसे कोई ऑर्गन देखने को मिलेगा जिसको चेलिसरे बनेगा, जिसको चेलिसरा कहते हैं, जिसे वो किसी प्रे को ग्रैप्स कर सकते हैं, प्रे को पकड़ सकते हैं ना, वो फीडिंग के लिए माउथ तक वो ले जाए जा सकते हैं, तरह के हाथों की तरह वो काम करते हैं, जिनको चेलिसरेट कहते हैं। तो ये चेलिसरेट जो है आपको इन्हीं में देखने को मिल जाता है। और सबसे पहली बात कि इनकी बॉडी में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, बॉडी में 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, 2 पार्ट कौन कौन से, प्रोसोमा और ऑपिस्थोसोमा। जहां प्रोसोमा में आपके पास यहां देखने को मिल जाएगा सिफिलोथोरेक्स, और ऑपिस्थोसोमा में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एब्डोमेन। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा कि चेलिसरेट्स में उन ऑर्थ्रोपोड्स को नहीं रखा जाएगा जिनमें हेड थोरेक्स एब्डोमेन तीनों मिलते हो, यहां हेड और थोरेक्स फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद में क्या बनाएगा, एब्डोमेन के साथ जुड़ जाएगा। और यहां और 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस आपको देखोगे, और इसमें जो फर्स्ट पेयर होगा वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वो फॉर्मेशन करेगा चेलिसरेट, और इस चेलिसरेट के एंड में आपको क्लोज भी देखने को मिल जाएंगे, नाखून भी देखने को मिल जाते हैं। नहीं ऋतु, ऋतु कोई स्पेशल, क्योंकि बहुत बहुत डाइवर्स, बहुत डाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स में, तो हम मोर्फोलॉजी के अलावा किसी को रिलाई नहीं कर सकते। मोर्फोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूं कि चेलिसरेट क्या है, हेड थोरेक्स एब्डोमेन क्या है, आगे मैं आपको विंग्स के पैटर्न के बेसिस पर बता दूंगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। क्लास चेलिसरेट में आप देखोगे कि आगे जाकर 2 क्लासेज आ जाती है, उन क्लासों को आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे सबसे पहली क्लास है मीरोस्टोमेटा, कौन सी, मीरोस्टोमेटा। ये मीरोस्टोमेटा कैसे होंगे, ये मरीन ऑर्गेनिजम्स होंगे, और इनमें रेस्पिरेशन के लिए आपको बुक गिल्स देखने को मिल जाएंगे, मरीन है तो डेफिनेटली वहां गिल्स तो होंगे ही होंगे, और इन ऑर्गेनिज्म के एंड पर एब्डोमेन जहां एंड होगा वहां आपको एक स्पाइक देखने को मिल जाएगा, और इस स्पाइक को क्या कहा जाएगा, टेलसन कहा जाएगा।
याद रख लेंगे कि क्लास मीरोस्टोमा के बारे में मरीन सिस्टम में होती है, रेस्पिरेशन के लिए बुगगिलिन के पास होता है, कंपाउंड आई भी इनके पास होती है। हाँ, चैल मतलब क्लोज कह दी, चलो ये बिल्कुल सही कार्य। तो आपने बुक गिल्स आप इनमें देखेंगे और वही 5 से 6 पेर अपेंडिसेस आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे, और इसमें भी 2 क्लासेस आ जाती है, 2 सब क्लासेस आ जाती है, माफ कीजिए, और 2 सब क्लासेस में एक आ जाती है जिफोसूरा, एक क्लास कौन सी आ जाएगी जिफोसूरा, और एक क्लास आ जाएगी यूरिप्टेरिडा, यूरिप्टेरिडा। जिफोसूरा में एक नाम है, आप नाम में जब नाम बोलूंगा तो आप पहचान जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। आपने किंग क्रेब का नाम सुना होगा, लिमुलस का, किंग क्रेब का नाम सुना होगा, किंग क्रेब इसको कहा जाता है, हॉर्स सू क्रेब भी आप इसको कह सकते हो, हॉर्स सू क्रेब, यह भी एक लिविंग फॉसिल है, ठीक है। कैलिसरेट में बॉडी डिवाइडेड, अब डिवाइडेड अपेंडिजेस तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है वैष्णवी, अब देखो क्वेश्चन कैसे बताता हूं, अभी तक लाइफ साइंस के एग्जाम में बहुत सिंपल सा एग्जाम क्वेश्चन इसमें आता है, आपको एक तरफ 4 क्लासेस दी जाएगी, ठीक है, जिसे और 4 क्लासेस के सामने ऑर्गेनिज्म का नाम आएगा कि आप इसके ऑर्गेनिज्म को मैच करो, 4 क्लासेस आपके सामने आएगी, 4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का नाम आएगा कि क्लास के साथ इनके नंबर को मैच करो, 4 क्लासेस आ जाएगी, बीच में आपको आई की बात आ जाएगी, बीच में एक दूसरे कॉलम में आई की बात आएगी, कंपाउंड आई है, सिंपल आई है, एक तीसरे फॉर्म में आपको मेटाबॉलिक, ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो देखने को मिल जाएगा कि कौन सी, जैसे मान लीजिए कि जिफोसूरा है तो जिफोसूरा में कंपाउंड आई के साथ साथ वहां मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, तो 3 कॉलम का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे, मैच द पेयर, और आप एक मैच वहां से, 1 या 2 मैच आप निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए सीधा सीधा 4 नंबर देखा जाएगा, जिसको हम छोड़ते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन आपका नेट से, नेट तो आपको सबका होगा, नेट से आपको ज़ियारत तक ले जाएगा, जिनकी ज़ियारत है उनको अच्छी रैंक मिल जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ऐसे ब्लाइंडली आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, है ना, ब्लाइंडली कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उनको आपको मैच करते हुए पूछे जाते हैं। लार्वा भी देखेंगे, एक लार्वा का अपना एक शेड्यूल है, शायद कल का होना चाहिए या फिर परसों का, नहीं 2 दिन बाद का है, एक लार्वा का शेड्यूल भी आएगा जिसमें ऑर्गेनिज्म का नाम आ जाएगा और फिर आपको लार्वल स्टेज दे दी जाएगी, उसको आपको मैच करना है। ईशा रिपीट करो, एक क्लास का नाम दे देंगे और उस क्लास में रिप्रेजेंटेटिव एनिमल का नाम दे देंगे, ऑर्थ्रोपोड का नाम दे देंगे, या एक तीसरा कॉलम बनाकर उसमें उसके फीचर, जैसे मान लीजिए आई कैसी थी, उसमें चेलिसरेट है या मेंडिबुलेट है या इंसेक्ट, आगे मैं मेंडिबुलेटा की बात करूंगा, एक क्लास मेंडिबुलेटा भी आएगी, है ना, तो कॉलम को मैच करने वाले आपको देखने को मिल जाएंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा है वो मैच कर लिया क्लास के साथ, है ना, ये चीज आएगी। और मैं कहता रहा हूं ये जो मेरी क्लास है ऑर्थ्रोपोड से, अगर ये आपने क्लियर कर ली तो आप कहीं भी ऑर्थ्रोपोड का क्वेश्चन मेरी गारंटी से बाहर कहीं आ जाए तो एक तरफ लिमुलस आ जाते हैं और एक तरफ जो यूरिप्टेरिडा हो जाते हैं वो कैसे हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, अब एक्सटिंक्ट हो गए तो उनकी बात हम करते ही नहीं है। तो जिफोसूरा एक ऐसा सब क्लास है जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसके साथ, लिमुलस के साथ, और लिमुलस क्या है, लिविंग फॉसिल है। स्पाइक लाइक टेंशन, टेलसन, टेलसन लिखते हैं इसको, टेलसन एग्डोमन का जो एंड है एक स्पाइक लाइक टेलसन में रिप्रेजेंट होता है। हाँ बिल्कुल, ये मोस्ट वेलकम वैष्णवी। तो पहली क्लास कौन सी होगी, मीरोस्टोमेटा। जनरली क्लास तक आते हैं, कई बार सब क्लास की भी बात होगी, थोड़ा सा मैं सब क्लास को वही बताऊंगा जहां जरूरत होगी। कल आपको पूछा था, शायद अंजू ने पूछा था, किसी ने पूछा था कि सर आप ऑर्डर लेवल तक का क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ते हैं क्या, तो जहां जरूरत होती है वहां मैं आपको सब क्लास तक लेवल का बता दूंगा। अब देखो एक क्लास तो मीरोस्टोमेटा हो गई, ठीक है, यहां
इसमें जो मिरोस्टोमेटा पढ़ रहे हैं हम, वो मिरोस्टोमेटा किसमें पढ़ रहे हैं हम, चेलिसरेटा में। और चेलिसरेटा में अपने पास दो ग्रुप होगी, एक तो जो मरीन सिस्टम में एक्वेटिक है, जबकि एक दूसरा ग्रुप आएगा जो टेरिस्टल है, लेकिन होगा क्या, चेलिसरेट होगा। तो उस इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी क्लास अपनी कौन सी बन जाएगी, एरेक्निडा। ये आपने सबने देख रखी है अपने घरों के आसपास, आपके घर में ही देखने को मिल जाते हैं ये। मिरोस्टोमेटा के बाद में एरेक्निडा, और एरेक्निडा कौन होंगे, टेरिस्टल होंगे, और टेरिस्टल है, और इसके साथ साथ इनमें आपको सिंपल आई भी देखने को मिल जाएगी, सिंपल आई भी इनमें होगी। इनमें आपको दो चेलिसरेट के अलावा दो छोटे छोटे सेंसरी प्रोसेसेस, पेडिपेल्प, फातिमा शाहीन वेरी गुड मॉर्निंग, दो छोटे छोटे पेडिपेल्प भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको वहां कंफ्यूज नहीं करूंगा इस चीज में। लेकिन होते कैसे, सिंपल आई होंगे और टेरेस्टल ये होंगे। तो फिर इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत आसान है आपके पास, जैसे आपने ये इस जीव को देखा होगा, ये क्या कहलाता है, पैलमनुअस, बुथुस इसमें आ जाते हैं। फातिमा कह रहे हैं कि आप और सारे गेट सिलेबस को नहीं करेंगे फातिमा, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स को हम लेने, सारा जो है हम कवर नहीं करेंगे, अगर सारा मैं कवर भी कर दूं तो पूरी साल लगेगी, ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं होता ना। हाँ तो आप, मैं अकेला जो क्लास ले रहा हूँ वो भी जल के लिए, बाकी सर जैसे शाम को प्रांशु सर आते हैं तो प्रांशु सर क्या पढ़ाते हैं, वो भी आपके जियोलॉजी सिलेबस में आने वाला होता है ना, तो सबका मिलाकर, कई सर आते हैं तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वो भी आपके जियोलॉजी में आएगा, तो सबका मिलाकर आप जरूर इसको कंपाइलेशन कर सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में सिंपल आई है, और यहां आप देखोगे तो ये क्या आपके पास, पैलमनुअस, बिच्छू कहते हो आप इसको, पैलमनुअस कहते हैं जियोलॉजी की भाषा में, इसको क्या कहेंगे, पैलमनुअस कहेंगे। स्कॉर्पियोनिडा ऑर्डर में आते हैं, तो ऑर्डर का नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये आपने देखिए, ये एरेक्निडा में स्पाइडर होती है, लाइकोसा, जिसको वोल्फ स्पाइडर कह दो आप, लाइकोसा होगी, एजिलेना हो गई, फनल वेब स्पाइडर, एजिलेना को फनल वेब स्पाइडर कहते हैं। फनल वेब स्पाइडर कहते हैं, लाइकोसा को वोल्फ स्पाइडर कहते हैं। इसके अलावा तो टिक्स होती है, टिक्स, आयोडेक्स या डोग टिक, सीप टिक मान लीजिए, बकरियों की जो टिक्स होती है छोटी छोटी, या डोग कुत्तों की जो डॉग्स होती है, डर्मेसेंटर होती है, डॉग टिक्स, उनको भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। और इतना इंफॉर्मेशन रख लोगे तो बहुत आसानी से आप इनको, बिल्कुल बिल्कुल एनिमल फिजियोलॉजी भी होंगे प्रतिमा, सारा होगा। तो ये एरेक्निडा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। तो आपके पास एक फाइलम हो गया, दूसरा सब फाइलम हो गया चेलिसरेटा। तो चेलिसरेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान रख लोगे, इसमें दो ऑर्डर है, एक मरीन सिस्टम वाले, एक टेरेस्ट्रियल सिस्टम वाले। ट्राइलोबाइटोमोर्फा को आप छोड़ सकते हो कि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तीसरा सब फाइलम, दूसरा सब फाइलम चेलिसरेटा, बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना आपको। तीसरा सब फाइलम है मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म वो है कि जिनमें आपको बॉडी हेड थोरेक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड होगी, और मुंह में कहीं एक ऐसा ऑर्गन जरूर मिल जाएगा जो कि जबड़े की तरह काम करेगा, फूड को कुतरने की तरह काम करेगा, मतलब उसको हम बोलेंगे मैंडिबल, मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिल्यूल, लेबियल, लेब्रम, हाइपोफेरिंग्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माउथ पार्ट में देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंडिबुलेटा वो ऑर्थ्रोपोड जिनमें आपको वेल डेवलप मैंडिबल्स देखने को मिल जाते हैं, फूड को चबाकर खाने के लिए एक ऑर्गन होता है मैंडिबल, वो आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। तो सब फाइलम मैंडिबुलेटा के क्या क्या फीचर होंगे कि यहां आपको हेड देखने को मिल जाएगा, आपको थोरेक्स देखने को मिल जाएगा, और आपको एब्डोमेन देखने को मिल जाएगा, एब्डोमेन देखने को मिल जाएगा। यहां एक बात और याद रखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आपको एक या दो जोड़ी एंटीना भी देखने को मिलेगी, सेंसरी होती है, एंटीना भी देखने को मिलेगी, और मेंडिबल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि किसकी तरह काम करते हैं, जबड़ों की तरह काम करते हैं। और मेंडिबल के अलावा आपको लोअर, नीचे वाला, ऊपर वाला जगड़ा, मैक्सिला भी देखने को मिल सकता है, और इसमें आगे जाकर आपको तीन क्लासेस पढ़नी है, याद रख लेंगे।
चेलिस्टरेटा से अलग कैसे है? चेलिस्टरेटा में दो बॉडी ऑर्गन थे, वहां एंटीना नहीं था, लेकिन मैंडिबुलेट्स में मैंडिबल तो है ही है, साथ में आपको यहां एंटीना भी देखने को मिल जाएगा। तो तीन क्लासेस कौन कौन सी है ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लासेस का। पहली क्लास आ जाती है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया सबसे पहली क्लास। क्रस्टेशिया वो ऑर्थ्रोपोड्स है या वो मैंडिबुलेट्स है जो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में है, तो ये इनको आप गिल ब्रीदर्स भी लिख सकते हो, ये गिल के थ्रू ब्रीद करते हैं। इनमें एक और बात कि इनमें एक्सक्रीशन जो होता है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड होती है जो इनके एंटीना में स्थित होती है, तो एंटीनल ग्लैंड जो होती है यहां एक्सक्रीटरी पर्पस से काम आती है। और इनकी डेवलपमेंटल फेज में एक लार्वा आता है, लार्वा जिसको नोप्लियस लार्वा बोलते हैं, नोप्लियस लार्वा। हालांकि ये डेवलपमेंटल फेज में सबसे सिंपलेस्ट लार्वा होता है, सबसे सिंपलेस्ट लार्वा नोप्लियस। इसके अलावा जूइया भी देखने को मिलता है, प्रोटोजूइया भी देखने को मिल जाता है आपको। अरे यही तो अंजू, यही तो कह रहा हूं, प्रोन जो आता है वो प्रोन इसी में आ जाता है, क्रस्टेशिया में आ जाता है। और इसके लिए आपको आठ सब क्लासेस की बात करनी होती है, आठ सब क्लास की बात यहां से करेंगे। लेकिन मैं आपके लिए डिस्काउंट दे रहा हूं, यहां आठ सब क्लास होती है, एरोस्टोमेटा, नोटोस्ट्राका, कोपीपोड, ब्रैंक्यूनोरा, ऐसे कुल मिलाकर आठ सब क्लास है, लेकिन आपको सात नहीं पढ़नी, सिर्फ एक ही पढ़नी है, मेरी एडवाइस मानकर चलना। और वो एक सब क्लास है कौन सी, मेलेकोस्ट्राका। इस मेलेकोस्ट्राका में भी सात ऑर्डर आते हैं, लेकिन यहां एक ऑर्डर आता है डेकापोडा, ऑर्डर डेकापोडा। इस डेकापोडा में दो सब ऑर्डर्स आ जाते हैं, नेटांसिया एंड रेप्टांसिया। डेकापोडा एंड रेप्टांसिया, जहां नेटेंसिया में आप देखोगे कौन कौन आ जाता है, प्रोन आ जाता है, झींगा मछली जिसको पेलियोमोन भी आप कह देते हैं, प्रोन पेलियोमोन, श्रिंप, श्रिंप और प्रोन नेटेंसिया में आएंगे, एक्वेटिक होंगे, मरीन सिस्ट, एक्वेटिक होंगे, गिल ब्रीदर होंगे। जबकि रेप्टांसिया में आपने लोबस्टर का नाम सुना होगा, ये इधर वाले सारे के सारे जो है ना, लोबस्टर हो गया, क्रेफिश का नाम सुना होगा आपने, क्रेफिश, या फिर ट्रू क्रेब जो होता है ना जिसमें हर्मिट क्रेब आ जाता है, हर्मिट क्रेब, स्पाइडर क्रेब, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। देखो नीचे इनके एग्जाम भी मैंने लिख रखे हैं, क्रैब्स। इतना याद रख लेंगे कि जो क्लास क्रस्टेशिया है उस क्लास क्रस्टेशिया में आपके पास बहुत सारे ऑर्डर है, लेकिन एक ऑर्डर ध्यान रखना है, ऑर्डर मेलेकोस्ट्रा का, और उसका एक, उसमें भी सात ऑर्डर आ जाते हैं, उसमें भी सिर्फ एक ऑर्डर की बात याद रखेंगे, और वो कौन सा आ जाता है आपके पास, डेकापोडा। और डेकापोडा में दो सब ऑर्डर है आपके पास, रेप्टांसिया और नटेंशिया, जिस नटेंशिया में प्रोन को इंक्लूड कर लिया जाता है। और आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहली क्रस्टेशिया हो गई, दूसरी एक और मेरियोपोडा, ये भी आपने घरों के आसपास आपको बहुत देखते हो। मेरियोपोडा कैसी होगी, टेरेस्ट्रियल होगी, ये कैसी होगी, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, धरती पर रहेगी, इसका मतलब इनमें एयर ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगी। डेका का मतलब दस, पोडा का मतलब पैर, दस पैर वाले, ठीक है। कल हमने डेकापोड्स वहां भी देखा था, सिफलोपोड्स में, जिसमें सीपिया लोलिगो थी, ऑक्टोपोडा में ऑक्टोपस आपके पास था। तो ये एयर ब्रीदिंग होते हैं, मैंडिबल इनमें जरूर देखने को मिलेगा, एक जोड़े एंटेना है, तीन जोड़े जॉज है, उनकी डिटेल बात नहीं करेंगे, दो से ज्यादा आपको पैर भी इनमें देखने को मिल जाते हैं। चलो लिख ही देता हूं कि मोर देन टू पेयर, मोर देन टू पेयर ऑफ लेग्स, कि पूरी बॉडी जो होती है इनमें सेगमेंटेड होती है,
है ना, सेगमेंटेड होती है। चाहे मैं जूलस की बात कर लूं, चाहे मैं स्कोलोपेंड्रा की बात कर लूं, कनखजूरा जानते हो आपके घरों में बहुत होते हैं बारिश के सीजन में, जो जूलस होती है मिलीपीड जिसको कहते हैं, सहस्त्रपदी है ना, मिलीपीड को सहस्त्रपदी बोलते हैं। तो ये दो मेरिपोडा के पास आगे जाकर देखोगे तो दो आपके पास चार ऑर्डर है हालांकि, लेकिन दो ऑर्डर की बात मैं आपको करूंगा जो आपको याद करनी है। और वो कौन कौन सा, एक तो आ जाता है आपके पास डिप्लोपोडा और एक आ जाएगा आपका स्काइलोपोडा। डिप्लोपोडा एंड काइलोपोडा दोनों का डिफरेंस क्या ध्यान रखोगे कि जहां डिप्लोपोडा है डी का मतलब दो, कि एक सेगमेंट, एक सेगमेंट में आपको दो जोड़ी पेड़ देखने को मिलेंगे, कि ऐसे मैंडिबुलेट जो कि टेरेस्ट्रियल है और टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ उनके सेगमेंट में एक जोड़ी क्या देखोगे आप, पेड़ देखोगे, अपेंडिजेस देखोगे। जबकि काइलोपोड में डिफरेंस देखोगे तो जिसको कनखजूरा कहते हैं हम, कंसला कहते हैं मारवाड़ी में, उसको कहते हैं सतपदी। और वहां क्या होता है कि वहां आपको एक सेगमेंट में सिर्फ एक जोड़ी पेड़ ही देखने को मिलेंगे। डिफरेंस निकाल लोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिप्लोपोड एंड काइलोपोड, द डिप्लोपोड हैज टू पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट वेयर एज द काइलोपोड्स हैव वन पेयर ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट। ठीक है, तो डिप्लोपोडा में आप देखोगे कि दो पेयर हर सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, टू पेयर लेग्स, इन ईच सेगमेंट। बरसात के सीजन में ये बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। और इसमें एग्जांपल क्या जाएगा आपके पास, मिलीपीड कह दीजिए इसको, मिलीपीड्स कह सकते हैं आप, इसको जूलस भी कह सकते हैं, हिंदी में सहस्त्रपदाई भी कहते हैं, हिंदी में आप इसको गजाई भी कह देते हैं। जबकि गाइलोपोड में भी बहुत सारे डिफरेंस होंगे फर्स्ट, लेकिन हर सेगमेंट में आपको एक पेयर ही देखने को मिलेगा, वन पेयर ऑफ लेग ही आप इस सेगमेंट में देखोगे। लेकिन लेग में जो सबसे पहली जोड़ी है वहां आपको एक पॉइजनस क्लो देखने को मिलेगा, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। जो फर्स्ट लेग होगा वो आपको वहां नखर देखने को मिलेंगे और उस नखर में आपको पॉइजन देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो काइलोपोड होंगे वो कैसे होंगे, जहरीले होंगे, उनसे आपको दूर रहना है। ये थोड़ा सा न्यूरोटॉक्सिक वेनम सीक्रेट करते हैं जो के लिए आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। छोटे जो जानवर होते हैं उनको तो किल कर सकते हैं, हालांकि ह्यूमन पर इतना इफेक्ट नहीं करते, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी को ये सुन्न जरूर कर सकते हैं। तो कनखजूरे से हमेशा दूर रहिएगा। तो पॉइजन क्लोज इनमें देखने को मिलेंगे और एग्जाम्पल इसका कौन सा हो जाएगा, स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा कनखजूरा। अरे देखा है ना आप सब लोगों ने इसको, हाँ वैष्णवी, विंटर सीजन में मोर ज्यादातर ये दोनों ही जो चाइलोपोड या डिप्लोपोड की बात कर लूं, बारिश सीजन में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अरे वांजू, फिर क्या हुआ था, आगे की कहानी बताओ, काट लिया था। ठीक है, दो क्लास याद रख लेंगे कि मैंडिबुलेटा फाइलम में आपके पास क्रस्टेशिया आ गई जो कि मरीन थे, आपके पास मेरीपोड आ गई जो टेरेस्ट्रियल थे। अब एक और याद रखोगे उसके बाद पूरा क्लासिफिकेशन खत्म। अरे वाह, रोज आते हैं, सबके घरों में आते हैं वैष्णवी, डोंट वरी। जहां थोड़ा सा ह्यूमिडिटी इनको देखने को मिलेगा वहां आपको देखने को मिलेगा कि एक भी फीमेल कनखजूरा होगी तो वो बहुत सारे अंडे देती है, लाखों अंडे देती है। अगर 10-20 भी सर्वाइव रह गए तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में ज्यादा है, लेकिन ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। अरे गुड कृष्णा, देखा है। तो दूसरी क्लास के बाद में तीसरी क्लास की बात करते हैं जो कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती है इंसेक्टा। वो कौन सी इंसेक्टा, जहां क्लियर कट देखोगे कि यहां आपको हेड भी देखने को मिलेगा, यहां आपको थोरेक्स भी देखने को मिलेगा, यहां आपको एब्डोमेन भी देखने को मिलेगा। लेकिन
वो कौन सा फीचर है जो कि इनको मेरियोपोड्स और क्रस्टेशन से अलग करता है? क्रस्टेशन तो मरीन हो गए, मेरियोपोड टेरेस्ट्रियल हो गए, ये भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल में आपको विंग्स का अपीयरेंस देखने को मिल जाते हैं, हालांकि कंपाउंड आई इनमें होती है, आपको यहां से कंपाउंड आई भी देखने को मिल जाती है, या आपको वॉकिंग लेग्स भी देखने को मिल जाते हैं। वॉकिंग लेग्स चलो वो तो वहां भी थे, लेकिन एक या दो जोड़ी आप यहां क्या देखोगे, विंग्स। ठीक है, मतलब ऐसे कीड़े जो उड़ने वाले होते हैं वो आप इंसेक्टा में रख देंगे, और इसको भी आगे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दो क्लास में हम आगे इनको डिवाइड करेंगे। अब देखिए, थोड़े से अपने कान के गेट खोलेंगे और इंसेक्टा में कुछ ऑर्डर्स की बात आपको बताऊंगा जो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने हैं। अभी तक क्लास पढ़ रहे थे, काम चल रहा था, और लेकिन इंसेक्टा में कुछ ऑर्डर्स की बात मैं आपको बताऊंगा, और वो ऑर्डर लिखेंगे भी आप, क्योंकि वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंसेक्टा में दो क्लास आ जाती, दो सब क्लास आ जाती, एक तो आ गई एप्टेरिगोटा, मतलब जिनमें विंग नहीं होते हैं, मतलब ऐसे इंसेक्ट जो कि कैसे होते हैं, विंगलेस होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे इन ऑर्गेनिजम्स में एक यहां एक कुछ सेंसरी प्रोसेस होगी जिनको सरकाई कहा जाता है, एनल सरकाई कह दूंगा मैं, एनल सरकाई एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कैसा होता है, सेंसरी होता है। जब ये कीड़े जमीन पर चलते हैं तो हम जो शोर मचाते हैं, मतलब जो साउंड या जो वाइब्रेशन रिसीव करने के लिए इनकी बॉडी में जो एब्डोमिनल सेगमेंट में लास्ट या सेकंड लास्ट सेगमेंट में आप देखोगे कि जनरली आपको एक वाइब्रेशन और साउंड रिसीव करने के लिए क्या मिल जाएगा, ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, जिसको सरकाई कहेंगे। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। और जहां इनमें मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां आपको एक टेंथ सेगमेंट पर एनल स्टाइल भी देखने को मिलेगा जो मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते, तो छोटी सी बात यहां से भी पकड़ोगे। जनरली जो एप्टेरिगोटा होते हैं इनमें एमेटाबोलस मेटामोर्फोसिस होता है, एमेटाबोलस मेटामोर्फोसिस इन द सेंस कि वहां आपको मेटामोर्फोसिस नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर थाइसिनुरा, इसका ऑर्डर आप पढ़ेंगे यहां से मैं आपको कुछ ऑर्डर लिखाऊंगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीन कलर से लिखाऊंगा, लिखने भी आपको, वो आ जाता है थाइसिनुरा। और थाइसिनुरा में सिल्वर फिश, इनिशियली मैंने आपको जब मेटाबॉलिक सिचुएशन बताई थी, सिल्वर फिश जिसको लेपिस्मा भी कहते हैं, ये लेपिस्मा आप किस में रखेंगे, विंगलेस इंसेक्ट मतलब एप्टेरिगोटा में रखेंगे। अरे क्या वैष्णवी अंजू, क्या टॉपिक शुरू कर दिया तुम लोगों ने, वाह भाई साहब, साइंस पर आओ। मैं आपको मारने के तरीके बताऊंगा, भगाने के तरीके बता सकता हूं, ठीक है, मैंने पीएचडी किया है स्नेक्स पर, और जितने भी ये जानवर है वो मैं रोज खेलता रहता हूं उनके साथ, मैं आपको कभी और सेशन चैप्टर सेशन करेंगे तब आपको बताऊंगा। ठीक है, लेपिस्मा इसमें आ जाता है। फिर दूसरी सब क्लास आ जाती है टेरिकोटा। टेरिकोटा में इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या देखने को मिलेंगे, आपको विंग्स देखने को मिलेंगे, और इनमें आपको या तो पोरो मेटाबोलस या तो हेमी मेटाबोलस या हेमी मेटाबोलस सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है, या फिर आप इसमें होलो मेटाबोलस, दोनों सिचुएशन देखने को मिल जाएगी, हेमी एंड होलो दोनों टाइप की सिचुएशन देखने को मिल जाएंगी। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सरकाई के अलावा कोई एब्डोमिन अपेंडिसेस भी इनमें नहीं होंगे, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होंगे, और इसमें भी आगे देखोगे कि दो डिवीजन देखने को मिल जाएंगे आपको, दो डिवीजन, एक डिवीजन होगा एक्सोप्टेरिकोटा, कौन सा, एक्सोप्टेरिकोटा, और एक्सोप्टेरिकोटा में क्या होगा कि विंग्स का डेवलपमेंट बॉडी से बाहर बड के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर यही विंग्स का फॉर्मेशन प्यूपल के से हो
तो आप इसको क्या कह देंगे, एंडोप्टेरिगोटा। ये डिवीजन है। अब इन दोनों डिविजन की मैं सेपरेट बात करता हूं। सबसे पहले हम एक्सोप्टेरिगोटा की बात करते हैं। देख लो नीचे फोटोज देखते रहो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। एक्सोप्टेरिगोटा में जो विंग्स जो होते हैं डेवलप्ड एक्सटर्नली एज बर्ड, बर्ड के फॉर्म में निकलते हैं। कौन निकलते हैं? विंग्स, एक्सटर्नल बाहर की तरफ से निकलते हैं। लगभग 12 ऑर्डर आप यहां से पढ़ेंगे। और 12 ऑर्डर कौन कौन से जीजिए, देखो आपको एक प्रेइंग मेंटिस देखने को मिल रहा है, फिर आपके पास पेडिकुलस है, कॉकरोच है, टर्माइट्स है, ड्रैगन फ्लाइज है ना, ये एक जू है पेडिकुलस, ये आपके पास फिर से एक ड्रैगन फ्लाई है, ये डैमसल फ्लाई है। तो कुछ ऑर्डर्स का नाम बता रहा हूं, उनके साथ में नाम भी लिखेंगे। एक आ जाता है ऑर्थोप्टेरा, एक आप लिखेंगे आइसोप्टेरा, कुछ यूनिक चार पांच लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, 12 ऑर्डर यहां आते हैं। एक आ जाता है ओडोनाटा, ओडोनाटा। इसके अलावा आप थाइसिनोर आ गया, हेमिप्टेरा लिख लीजिए, हेमिप्टेरा। और एक आ जाता है होमोप्टेरा। ये चार ऑर्डर लिखोगे तो भी काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल वही वही वही, जहां देखो ऑर्थोप्टेरा में कौन कौन आ जाते हैं, ऑर्थोप्टेरा में आपके पास ग्रास ऑपर आता है, ग्रास ऑपर्स, लोकस्ट फार्मिंग, देखिए आपने कॉकरोच, मेंटिस, स्टिक इंसेक्ट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं ऑर्थोप्टेरा में। आइसोप्टेरा में आपको टर्माइट पढ़नी है, टर्माइट इसमें आती है। ओडोनेटा में ड्रैगन फ्लाइज और डेमसल फ्लाइज आ जाती है, ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसल फ्लाइज, हेलीकॉप्टर अपने गांव में कहते हैं ना। फिर हेमिप्टेरा में बेड बग, खटमल जो होती है वो बेड बग होती है, खटमल बेड बग होती है, वो हेमिप्टेरा में आती है। फिर आप सिकाडा होंगे, सांप के समय में गांव में शहरों में आवाज करते हैं ना जोर जोर से, एफिड्स, वो किसमें आ जाते हैं, एक्सोप्टेरिटा में आ जाते हैं, एक्सोप्टेरिकोटा में आ जाते हैं। तो कुछ 12 ऑर्डर्स में ये 6 ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्डर लिखा है मैंने, 5 ऑर्डर लिखा है, अगर ये याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। घोड़ा, हाँ राम जी का घोड़ा, बिल्कुल वैष्णवी। तो एक्सोप्टेरिकोटा मतलब अगर विंग्स का फॉर्मेशन बर्ड के फॉर्म में हो रहा है तो आप उसको एक्सोप्टेरिगोटा में कहोगे, और इसमें आपको ये 5 ऑर्डर ध्यान में रखने हैं। फिर दूसरा एंडोप्टेरिगोटा डिवीजन पढ़ते हैं। एंडोप्टेरिगोटा में विंग्स का डेवलपमेंट इंटरनली एज, चलो एक्सोप्टेरिगोटा कहां गया, ये रहा। एंडोप्टेरिगोटा में क्या होगा, विंग्स डेवलप्ड इंटरनली इन प्यूपल केस, और इसमें भी लगभग 8 ऑर्डर आते हैं। यहाँ भी आप नीचे देखो, ये बीटल है, कोलियोप्टेरा हो गया ये, फिर आपके पास मॉस्क्यूटो मच्छर भी आ जाते हैं, बीज भी आ जाती है, फिर वैस्प भी आ जाती है, फिर आपके पास लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाइज भी आ गई, यहाँ आपको मस्का भी देखने को मिल गई, यहाँ आपको ब्लैक एंट्स भी देखने को मिल गई, ठीक है। तो कुछ एक ऑर्डर है जिनके बारे में आप याद रखेंगे, जैसे एक होता है कोलियोप्टेरा, एक आता है लेपिडोप्टेरा, एक आ जाएगा आपके पास डिप्टेरा, एक आ जाता है आपके पास हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, याद रख लेंगे ये 7 ऑर्डर में, ये 4 ऑर्डर आपको यहां से याद रखने हैं। जहां कोलियोप्टेरा है इसमें तो बीटल्स आ जाते हैं, रंग बिरंगे बीटल्स आ जाते हैं। लेपिडोप्टेरा में आपके पास बटरफ्लाई एंड मोथ आ जाएंगी, मोथ आ जाएगी, बटरफ्लाई आ जाएगी। डिप्टेरा में आपके पास मस्का, जो घरेलू मक्खी होती है वो देखने को मिल जाएगी, है ना, मस्का लिख रहा हूं मैं इसको, मस्का, क्यूलेक्स, या फिर मैं ड्रोसोफिला भी लिखूं तो वो भी इसी ग्रुप में आ जाती है, एनोफिलीज वगैरह सब डिप्टेरा में आ जाते हैं। हेमिनोप्टेरा में आपके पास एपीज आ जाएगी, मछलियां, मक्खियां,
वास्प ततैया वगैरह वो आ जाते हैं, और चींटियां वगैरह वो आ जाती है। लेडी बीटल, हाँ कैसा भी बीटल हुआ मोनिका, वो सारे के सारे बीटल आपको कोलियोप्टेरस में देखने को मिल जाते हैं। सर आईफास की बुक में कलरफुल डायग्राम्स, वैष्णवी कलरफुल डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट की बुक ले रहे हो, उसके बेसिस पर देखने को मिलेंगे, है ना। जनरली आपको कलरफुल, लेकिन वो आपको मल्टी कलर में नहीं होकर बाई कलर या ट्राई कलर में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये चार ऑर्डर आप एंडोप्टेरिकोटा में जरूर याद रखेंगे, इतना आपने याद कर लिया तो पूरा का पूरा आपका ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। सबसे पहले ट्राइलोबाइटा मोर्फा पढ़ा आपने सब फाइलम, उसके बाद में आपने चैलिसरेटा पढ़ा, फिर मैंडिबुलेटा पढ़ा, ठीक है, तीन सब फाइलम हो गए। अब चार सब फाइलम बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे, हालांकि उनको यहाँ नहीं करते, उनको माइनर फाइलम पढ़ते हैं, फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो एंडोप्टेरिकोटा के बाद में चौथा सब फाइलम पढ़ते हैं, चौथा सब फाइलम ओनाइकोपोरा, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके। ओनाइकोपोरा में अपने पास कौन सा था, पेरिपेटस, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कनेक्टिव लिंक था। उसके अलावा टार्डिग्रेडा एक्वेटिक होते हैं, इनमें सेगमेंटेशन बिल्कुल इनडिस्टिंक्ट होता है, एंटीना भी इनमें नहीं होता है, नो एंटीना, ये डाउटफुल होते हैं। मैक्रोबायस, मैक्रोबियस इसको बोलते हैं, वाटर बेयर पानी का भालू इसको कहा जाता है। उसके बाद पेंटास्टोमेटिडा, कुछ माइनर फाइलास की बात बता रहा हूं जो वर्म की जैसे होते हैं, वर्मी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, अनसेगमेंटेड होगा, और यहां भी आपको एंटीना देखने को नहीं मिलेगी, नो एंटीना। और इसका एग्जांपल लिंगुइलाटा, लिंगुइलाटा जिसको टंग वर्म कहते हैं, टंग वर्म कहते हैं, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में एक और सब फाइलम पिक्नोगोनिडा, जो कि मरीन सिस्टम में रहने वाले होते हैं और स्पाइडर लाइक अपीरियंस होता है, स्पाइडर लाइक आप इनको देखेंगे, इनमें भी एंटीना नहीं होता है, नो एंटीना। हमने ट्रू स्पाइडर्स तो अरेक्निड्स में देखी थी, वहां चेलिसरेटा भी था, पेल्प भी वहां था, और यहां आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है निम्फोन, निम्फोन जिसमें सी स्पाइडर्स आ जाते हैं, सी स्पाइडर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो मैंने सिर्फ आपको दो सब फाइलम बताए, चेलिसरेट और मैंडिबुलेट, और उन दोनों ग्रुप्स में मैंने छान कर आपके लिए वो जगह रखी है जो कि आपको वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इतना आप कर लेंगे तो आप फिर एनिमल क्लासिफिकेशन में कहीं भी नहीं फंसेंगे। कीड़े अजीब अजीब हैं, वेरी गुड। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो यहां बात होगी प्रोटोस्टोम्स का, वो ग्रुप जिसमें एग्डाइसिस देखने को मिलता है। तो फिर कल क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोस्टोम्स, और ड्यूट्रोस्टोम्स में भी वो ग्रुप जिनको एम्बुलेक्रिया कहा जाता है, कि वहां एक टोर्नेरिया नाम का लार्वा होगा जो कि आपको एकांडरमिट्स के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस करता हुआ दिख जाएगा, और हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सिप्लोकोडेट जिनको हम प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं, उनकी बात भी हम कल करेंगे। तो योर मोस्ट वेलकम रितु, वैष्णवी, पूर्णिमा, अंजू, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना बोरिंग टॉपिक होने के बाद में भी आपने पूरा सुना इन चीजों को, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल हाँ बिल्कुल मोनिका, जितने ऑर्डर मैंने आपको लिखाए हैं उससे बाहर आपको खासकर ऑर्थोपोड क्लासिफिकेशन में बाहर चीजें नहीं आएंगी। ओके नीलम, यूर मोस्ट वेलकम, भावना मोस्ट वेलकम, बिल्कुल देख पाएंगे कृष्णा,
बिल्कुल देख पाएंगे, आपके पास YouTube पर अवेलेबल रहेंगे। ओके मोनिका, यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल फिर 11 बजे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, हैव ए लर्निंग एंड हैव ए गुड डे। बिल्कुल अंजू, बहुत बोरिंग है। हाँ, मेरी कोशिश करी वैष्णवी कि आपको अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊँ, लेकिन हम क्या कि 2-3 बार आप जब रिपीट करोगे ना, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने कल के सेशन में।